को लेकर दरअसल जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में महिलाओं और युवाओं के साथ विशेष बातचीत की गई। इसी मौके पर उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को बीजेपी हाईकमान द्वारा पांचवी मर्तबा प्रत्याशी यानी उम्मीदवार बनाया गया है और अनुराग सिंह ठाकुर को पांचवी बार सांसद बनना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में लेके आए हैं, जहां पर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, सारे कुछ यहां पे युवा हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है उनकी राय, क्योंकि इस बार फिर भाजपा ने जो है अनुराग सिंह ठाकुर को जो है पांचवें बार प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं युवाओं से। सर पहले तो आपका नाम? मेरा नाम अनिल शर्मा है। सर किस तरह से देखते हैं अनुराग ठाकुर को पांचवें बार प्रत्याशी भाजपा की ओर से बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं? इस बार जो है वो इतिहास बनने जा रहा है। अनुराग जी पांचवी बार जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो उनकी जीत का मार्जिन होगा शायद इससे पहले कभी नहीं था और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का जो कार्यकाल 10 वर्ष का रहा है और अनुराग जी के जो व्यक्तिगत कार्य हैं, चाहे ब्यूटी वेलनेस के कोर्स उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए हों, या फिर जो ट्रेनिंग युवाओं के लिए है, या उसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरे कार्यक्रम चलाए हैं जैसे उनकी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा है और खेल महाकुंभ युवाओं के लिए है, ये उनकी व्यक्तिगत तो जो उपलब्धि है इसके कारण, और मोदी जी का जो नेतृत्व और अनुराग जी ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लेकर आए, इसे रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत दर्ज होने वाली है। सर जो पहले हुआ है क्या हुआ है हमीरपुर के लिए, अभी आने वाले में क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जो अनुराग जी जैसे ही खेल मंत्री बने, उन्होंने साई कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो लेके आए हैं, एम्स का यहाँ पर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब जो उनका एक सपना है हमीरपुर में रेल लाइन लाने का, वो भी बहुत जल्दी जो है वो पूरा होगा। हम आते हैं क्या है महिलाओं की राय उनसे पूछेंगे। पांचवी बार प्रत्याशी जो है अनुराग सिंह ठाकुर को भाजपा ने बनाया है, कितना मार्जिन लेके चलते हैं और क्या किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सर्वप्रथम तो भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी को समस्त महिला मोर्चा की तरफ से पांचवी बार लोकसभा चुनाव के लिए उनको जो चुना गया है उसके लिए मैं समस्त महिला मोर्चा की तरफ से बधाई देती हूं। और भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बहुत योजनाएं अपने जो है स्तर पर चलाई थी और उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा जो है वो मैदान में जाएगा, हर बूथ पर उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करेगा। और इस बार भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी को 4 लाख से ऊपर जो है वो हम महिला मोर्चा जो है वो मार्जिन देना चाहेंगे और भारी से भारी बहुमत जिताकर जो है वो उनको दिल्ली भेजेंगे और फिर से जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैडम किस तरह की योजना जो है अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से जो है धरातल पे चलाई गई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से? उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स करवाए, मशरूम उत्पादनों की उन्होंने महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई, हाथ से बनाई जाने वाली अनेकों योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता करवाकर जो है वो महिलाओं को इतना बड़ा मंच प्रदान किया है, तो ये सारी महिलाओं के ऊपर ही उन्होंने योजनाएं चलाई हैं। आज चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या मातृशक्ति हो, वहां से लेकर जो है वो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए जो है वो योजनाएं चलाई हैं और आम लोग जो है वो उन योजनाओं का लाभ जो है उठा रहा है। अगर बात करें कितना काम जो है हमीरपुर जिला में जो है जो 10 साल का टर्नओवर है इसमें हुआ है? बहुत ज्यादा काम हुआ है। मैं आपको बताऊं, देखो वंदे भारत ट्रेन चलाई है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 4 ट्रेनें चली देश में और 1 ट्रेन हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुई, तो ये हमारे सांसद अनुराग जी की ही मेहनत का फल है। और फिर एक और ट्रेन चला दी इन्होंने, वही ट्रेन एक हिमाचल को, हिमाचल से जो है ऊना से हरिद्वार को चलाई, जो कि हिमाचल के निवासियों को बड़ी दिक्कत होती थी, इसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ अनुराग जी का। ये थी हमारे साथ महिलाएं, इन्होंने जो कहा है कि इस बार जो अनुराग ठाकुर को फिर भारी मतों से जो है संसद में भेजेंगे और पांचवी बार जो है उनको संसद में भेजेंगे और साथ में तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।